मेरे समझ के अब बिल्कुल बाहर है कि 2019 का ये एग्ज़ाम 2020 तक लेंगे भी या नहीं लेंगे। आई एम स्टन एंड आई एम डन यार। फिर से इन्होंने डेट बढ़ा दी यार। वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जब मैं वेरिफिकेशन के लिए गया था, मेरे जो 2018 का था, जो 2018 का जो मेरा एग्ज़ाम हुआ था उसका, जो मैं वेरिफिकेशन के लिए गया था, तो एमपीआर के हेड ने मुझसे कहा था कि आपका एग्ज़ाम होगा, मतलब कि हम सभी से कहा था कि आप प्रिपरेशन तैयार कर दीजिए, एग्ज़ाम आपका होगा। जब नीट एग्ज़ाम ले सकता है तो हम तो ले ही सकते हैं। अब देखिए इन्होंने फिर से डेट को अनाउंस कर दिया। मतलब कि बिल्कुल अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या होगा भी या नहीं होगा, ऐसी कौन सी सिचुएशन है इनके लिए। और नथिंग कैन बी सेड, कुछ नहीं कहा जा सकता। अब ये डेट इन्होंने फिर से टेंटेटिव लगा के दी है। ठीक है, बता देता हूँ एक बार आपको नोटिफिकेशन के बारे में। देखिए ये अभी आया हुआ है, ठीक है, देखिएगा इसमें दिया हुआ है ये 22/9/2020 स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हैड डिक्लेयर्ड रिवाइज्ड शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन, जो अभी 22 तारीख को इन्होंने बताया था, फॉर द पीरियड 1/10/2020, ठीक है, और 31/8/2021 तक का। अब इसके बाद उन्होंने बोला है कि अब इलेक्शन हो रहे हैं बिहार में, ठीक है, इसलिए इनका जो दोबारा से जो एग्ज़ाम होना था इनको फिर से क्या किया गया है, इन्होंने मॉडिफाई कर दिया, मतलब कि एग्ज़ाम शेड्यूल को फिर से बदल दिया। तो देखिए सभी को चेंज कर दिया भाई। इधर होना था 2/11 को, होना था 15 को कर दिया CGL का। अब यहाँ पर हम बात करेंगे केवल हमारे एग्ज़ाम के बारे में। तो देखिए SSC स्टेनोग्राफर 2019, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है ये, CET मत समझना इसको, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है। जो 16 को होना था, जो नवंबर को होना था, अब उन्होंने कर दिया फाइनल दिसंबर को। अब ये आई डोंट नो इसको चेंज करेंगे या करेंगे, देखना। देयर विल बी नो चेंज इन द शेड्यूल ऑफ कंबाइंड सेकेंडरी, मतलब कि LDC को इन्होंने चेंज नहीं किया है, ठीक है, LDC के ये कंडक्ट करवा ही रहे हैं, ठीक है। और बाद बाकी जो स्टेनोग्राफर का आपका एग्ज़ाम था तो ये इन्होंने पोस्टपोन कर दिया, लेकिन LDC का ये करवा रहे हैं। तो लेट अस सी क्या होता है। अभी तो पोस्टपोन हो गया है भाई साहब, आपको 1 महीना और मिल गया है। अब आपको करंट अफेयर्स का भी सिस्टम समझ में आ जाएगा, इंग्लिश का भी, क्योंकि LDC का एग्ज़ाम आपका पहले हो रहा है। तो ये एक प्लस पॉइंट भी है, और ये उन लोगों के लिए थोड़ा वीकन पोर्शन हो सकता है कि जो लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे एग्ज़ाम देने के लिए, एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए, अब उनको 1 महीना और वेट करना पड़ेगा। तो देखिए LDC का तो हो ही रहा है, कंडक्ट हो रहा है, LDC का एग्ज़ाम हो रहा है, तो अपना भी हो ही जाएगा। इस उम्मीद के साथ 1 महीना और वेट करना, और अच्छे से पढ़ाई करना। 24 को एग्ज़ाम, 24 दिसंबर में एग्ज़ाम है, ठीक है। तो इतना ही बताना था आपको, और उम्मीद करूंगा कि एग्ज़ाम हो जाए। मिलता हूँ आपसे अगले किसी नोटिफिकेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।